वायरस का संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने प्रभावी उपाय योजना की है। जिनके हाथ पर होम क्वारंटाइन स्टैंप लगाया गया है उन्हें 28 दिन घर के बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत जिलाधिकारी MG प्रदीप चंद्रन ने दी है। होम क्वारंटाइन स्टैंप लगाए गए व्यक्तियों की संख्या जिले में 17,232 है। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया गया है। अब तक 44 व्यक्तियों को हॉस्पिटल क्वारंटाइन से निजात मिली है। सूत्रों के मुताबिक अब तक विदेश से लौटने वालों की संख्या 44 है, जबकि 1 मार्च से 9 अप्रैल के बीच मुंबई, पुणे व अन्य राज्यों से 18,201 लोग आए हैं। इनमें से 969 व्यक्तियों का 28 दिनों का होम क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया है। इसमें से रिस्पांस टीम ने 18,245 व्यक्तियों को भेज दी है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों में विदेश से आए 9 एवं मुंबई, पुणे व अन्य राज्यों से आए 18,201 का समावेश है। नर्सिंग हॉस्टल में 13 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। हॉस्पिटल क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद 44 व्यक्तियों को छुट्टी दी गई है। आइसोलेशन वार्ड में 6 संदिग्धों को रखा गया है। 8 अप्रैल तक 79 व्यक्तियों के गले के नमूने इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल यानी मेयो अस्पताल में भेजे गए हैं। इनमें से 72 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट निगेटिव रही है। 7 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट प्रलंबित है। भंडारा जिले में सौभाग्य से अब तक एक भी कोरोना मरीज नहीं पाया गया है। इसके बावजूद सरकार के निर्देश के अनुसार जिले में सावधानी बरतते हुए सभी उपाय योजना की गई है। भंडारा जिले में 9 सरकारी छात्रावास में विस्थापित एवं मजदूरों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। जिलाधिकारी MG प्रदीप चंद्रन के नेतृत्व में जिला प्रशासन द्वारा विविध उपाय योजना तैयार की गई है। वैद्यकीय सेवा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। स्वयं जिलाधिकारी ने उपाय योजनाओं का जायजा लिया। जिला अस्पताल में कोरोना वार्ड तैयार रखने की सूचना भी दी गई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जीवनावश्यक व्यवहार करने का आह्वान जिलाधिकारी MG प्रदीप चंद्रन इन्होंने किया है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए YouTube चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और Google Play Store से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।